चीन में तख्तापलट की बातें हो रही है, लोगों में नए राष्ट्रपति को लेकर बहुत बस है। खबरों की माने तो चीन के फिलहाल बने राष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है और सवाल है कि नया उत्तराधिकारी कौन है। लेकिन ये खबर सिरे से झूठ है। जब तख्तापलट की खबर तैरी तो जनरल ली शियाओमिंग का नाम सबसे ज्यादा खबरों में आ रहा है। तो भले ही चीन में तख्तापलट नहीं हो रही हो, फिर भी हम आपको बताते हैं कि जिस ली को शी का रिप्लेसमेंट बताया जा रहा है वो कौन है और किसने चीन में तख्तापलट की बात फैलाई, किसने ये अफवाह फैलाई। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। सबसे पहले एक बात साफ हो जाए कि चीन में तख्तापलट की अफवाह सोशल मीडिया से फैल रही है। तो अब जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि कौन है जनरल ली शियाओमिंग। अब ली जो है वो चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक है। उन्होंने सितंबर 2017 से 22 तक नदन थिएटर कमांड के कमांडर के रूप में भी काम किया है। ली क्याओमिंग ने चीनी सेना में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिसमें से 361वीं रेजिमेंट के चीफ ऑफ स्टाफ, 364वीं रेजिमेंट के कमांडर, 124वीं डिवीजन के चीफ ऑफ स्टाफ, 42वें ग्रुप आर्मी के डेप्यूटी ऑफ चीफ स्टाफ और 42वीं सेना के 124वें डिवीजन के कमांडर के पद पर शामिल है। इन अक्टूबर 2017 ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ 19th सेंट्रल कमिटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। साथ ही साथ उन्हें जनवरी 2010 से 41st ग्रुप ऑफ आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया था और जुलाई 2011 उन्हें रैंक ऑफ मेजर जनरल का अवार्ड भी दिया गया था। फिर 2013 में उन्हें प्रमोट करके 41st आर्मी का कमांडर भी बना दिया गया था। चीन में तख्तापलट के मामले में भारतीय सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट भी किया, जिसके बाद ये खबर बहुत तेजी से फैलने लगी कि जल्द ही चीन में शी तख्तापलट के शिकार हो सकते हैं। बाद में पता चला कि एक चीन से निकाली गई एक महिला जर्नलिस्ट के ट्वीट से यह अफवाह फैली थी। ये महिला जर्नलिस्ट यूएस में रह रही हैं। इनके दावे जो थे वो ये थे कि चीन में कई फ्लाइट्स कैंसिल हुए थे। ये भी कहा जा रहा था कि चीन में सेना की मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये बातें निराधार निकली। अब ये जो बातें हैं वो बिना सिर पैर के हैं और उनके कई कारण हैं। पहला तो ये है कि 2018 में चीन का संविधान बदलकर शी को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना दिया गया था। दूसरा ये कि उन्हें मॉडर्न चीन के जनक रहे माओ के बाद सबसे बड़ा नेता बताया जाता है। चीन को दुनिया का डेप्यूटी सुपर पावर भी कहा जाने लगा है और शी के लीडरशिप में चीन और मजबूत हुआ है। ऐसे में प्रेसिडेंट फॉर लाइफ के खिलाफ तख्तापलट की अफवाह में कोई दम नहीं लगता है। अब यहाँ आपका एक सवाल हो सकता है कि प्रेसिडेंट फॉर लाइफ क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है प्रेसिडेंट फॉर लाइफ होने का मतलब। चीनी संविधान में एक ऐसा अमेंडमेंट किया गया है जिससे ये पड़ोसी देश सिंगल पार्टी सिस्टम में तानाशाही में तब्दील हो गया है। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति के लिए कार्यकाल की मियाद खत्म कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि शी जब तक चाहेंगे राष्ट्रपति रहेंगे। इसके मायने ये भी है कि शी जब तक जीवित रहेंगे वही चीन के राष्ट्रपति रहेंगे। शी को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति पद देने वाले संवैधानिक अमेंडमेंट पर चीन की नेशनल पीपल कांग्रेस के 3000 सदस्यों ने वोट किया था। 2957 लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इसके पक्ष में वोट डाला था और जिन्होंने इस शख्स का विरोध करते हुए कोशिश की तो उनमें नेशनल पीपल कांग्रेस के महज 5 सदस्य शामिल थे, जिनमें 3 ने वोट ही नहीं डाला था और 2 ने इस संशोधन के खिलाफ वोट किया था। तो जिस तरह से चीन के संविधान में ऐसा अमेंडमेंट हुआ है उसे समझकर ये सारी बातें महज एक अफवाह ही लगती हैं। लेकिन अगर खबरों और रिपोर्ट्स की माने तो शी की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। खैर, जब तक चीन की तरफ से कोई भी बात क्लियर नहीं हो जाती, अनकट किसी भी बात की, किसी भी खबर की कोई भी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन मामले में जो भी अपडेट होगा सबसे पहले अनकट के ऑडियंस को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थे आपके साथ आशीष सिंह और आप देख रहे थे अनकट।